में लौट 6 करोड़ रुपए के लैपटॉप और अन्य सामान लेकर फरार हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपियों को क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। चोरी किए गए लैपटॉप और वाहन सहित 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल जब्त किया गया है। ये गैंग हरियाणा और गुजरात की है और इस तरह कई वारदातों को अंजाम दे चुकी है। पकड़े गए आरोपियों में मेवाड़ हरियाणा निवासी हरीश हाजर खान, मोहम्मद मुस्तफा धन्ना खान, आसिफ मसूद खान और वालसद गुजरात निवासी शाहिद शफी मोहम्मद खान का समावेश है। पुलिस ने बेंगलुरु निवासी अमरनाथ गोविंद संग्राम की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। गोविंद संग्राम ने 26 मई को बेंगलुरु से कंटेनर ट्रक क्रमांक KA53AA4233 पर 685 लैपटॉप, गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित 7,43,000 रुपए का माल लोड करके दिल्ली के लिए रवाना किया था। ट्रक पर लगे जीपीएस से 28 और 29 मई को वाहन नागपुर में ही खड़ा होने का पता चला। चालक और क्लीनर के फोन बंद थे। संदेह होने पर 31 मई को संग्राम नागपुर पहुंचे। पार्टी में कंटेनर दिखाई दिया लेकिन उसकी सील और लॉक टूटा हुआ था। लैपटॉप के बक्से और अन्य सामान गायब थे। 1 जून को पुलिस से शिकायत की गई। सीपीओ मितेश कुमार ने क्राइम ब्रांच को जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। वाहन चोरी दस्ता और साइबर यूनिट काम पर लग गए। सीसीटीवी फुटेज और टोल नाकों में जांच पड़ताल करने पर आरोपियों के सूरत में होने की जानकारी सामने आई। कलमना थाने की एक टीम पहले ही ट्रक चोरी के मामले की जांच के लिए गुजरात में थी। उन्हें आरोपियों की जानकारी दी गई। डीसीपी मुमक्का सुदर्शन ने सूरत के बारडोली एसपी हितेश राय से मदद मांगी। स्थानीय पुलिस की मदद से चारों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 जून रोजी नागपुर मधील पार्टी पुलिस स्टेशन हद्दी मध्ये 6.9 कोटी रुपयाचे लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक सामान हे ट्रकमधून बेंगलोरहून दिल्लीला जात असताना पार्टी हद्दीमध्ये लंपास झाल्याची तक्रार आमच्याकडे आली होती आणि त्याचा तांत्रिक पद्धतीने क्राईम ब्रँचनी विशेषतः युनिट 1च्या अधिकाऱ्यांनी अतिशय जलद तपास करून त्यामधील जवळपास सर्वच मुद्देमाल हा सुरत येथून हस्तगत केलेला आहे आणि त्यामध्ये यामध्ये सामील असलेले 4 आरोपी हे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहेत। त्यांच्याकडील ट्रक आणि इतर साहित्य मिळून साधारणतः 9.8 कोटी रुपयाचा मुद्देमाल हा आम्ही हस्तगत केलेला आहे। यामध्ये आणखी काही आरोपी सामील आहेत आणि आणखी तपास करून त्यांना लवकरच आम्ही ताब्यात घेऊन उर्वरित जो मुद्देमाल थोडा शिल्लक राहिलेला आहे तो सुद्धा आम्ही हस्तगत करण्यात यश मिळव। यामध्ये 4 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत। बेंगलोरहून दिल्लीकडे जात असताना आसिफ मुसूद खान आणि मोहम्मद धन्ना खान हे हरियाणातले 2 आरोपी यांनी सुरत आणि हरियाणातलाच त्यांच्या 2 सहकाऱ्यांना बोलावून घेतलं नागपूर येथे आणि एका ट्रकमधून हा माल दुसऱ्या ट्रकमध्ये हस्तांतरित केला आणि तो ट्रक घेऊन ते सुरत येथे गेले होते आणि त्यामध्ये सुरतचे जे आहेत हरीश हजर खान आणि साईज सफी खान हे त्यामध्ये सामील होते। या चौघही लोकांना आम्ही अटक केलेली आहे। या चौघांनाही ताब्यात घेतलेलं आहे। या मुद्देमालाची विल्हेवाट कशा प्रकारे लावणार होते हे त्यांची पोलीस कस्टडी घेऊन आम्ही निष्पन्न करू। पण हे चौघही सोबत गेले होते, ते आणखी त्यांच्यासोबत वाहन असण्याची शक्यता आहे, कार वगैरे, ते सगळं आणखी तपासात निष्पन्न होईल। हा आणखी आरोपी त्यामध्ये आहेत, त्याबद्दलची माहिती मिळालेली आहे, ते निश्चितपणे अटक केले जातील। एनबीसी न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।